सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। पूरे देश के लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा था हमारी सरकार की ओर से कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ें, दिल्ली चले जाएं, पैदल चले जाएं, ट्रेन पे चले जाएं, उनको अलाउड है, उनको कोई नहीं रोकेगा। अगर सरकार के अंदर रहता सी भी ईमानदारी थी, अगर इस बात के ऊपर अपनी कही हुई बात पर पूरी उतरती तो उनको उन्हें ये चाहिए था कि उन किसानों को तंत्र मंत्र पे आने दिया जाता। जिस तरीके से इस कॉल को अपनाते हुए उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रोग्राम बनाया और पैदल चले, ट्रेनों के माध्यम से चले, उन सबको अलग अलग जगहों पे रोका गया। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सब किसान परिवारों के पास ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं, एक संदेश देना चाह रहे हैं कि ये जो सरकार कितनी मकार है, कितनी झूठी है, कितनी बेईमान है, ये इसी बात से पता चल जाएगा कि लगातार मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा था हमारी सरकार की ओर से कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ें, दिल्ली चले जाएं, पैदल चले जाएं, ट्रेन पे चले जाएं, उनको अलाउड है, उनको कोई नहीं रोकेगा। और जो हमने आज की कॉल दी थी, इस कॉल को अपनाते हुए हमारे बहुत सारे साथियों ने यूपी से, हमारे साथियों ने बिहार से, हमारे साथियों ने राजस्थान से, जिस तरीके से इस कॉल को अपनाते हुए उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रोग्राम बनाया और पैदल चले, ट्रेनों के माध्यम से चले, उन सबको अलग अलग जगहों पे रोका गया। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे साथी हरपाल बिलारी जी को, इन्होंने जब वो बुलंदशहर से निकले, नोएडा रोड पर आए, वहीं पे उन्होंने रोक लिया और उनको मजबूरन वहीं पे रोड पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसी तरह हमारे साथी अनिल तिलान जी हैं, जिनके संगठन के बहुत सारे लोग अपने अपने शहरों से, अपने अपने गांव से बाहर निकले और अलग अलग थानों में उनके सभी टीमों को, सभी लोगों को डिटेन किया गया और अरेस्ट किया गया। और इसी तरीके हमारा बिहार से किसान कृषि परिवार के हमारे भाई चले हुए हैं, उनका अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, वो क्या होता है वो पता चल जाएगा। और इसी तरह राजस्थान से जो हमारे साथी चले, उनको राजस्थान में डिटेन किया गया। इस बात से ये क्लियर होता है कि सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, अंदर से सरकार मकार है, बेईमान है, इस बात से ये क्लियर होती है। अगर सरकार के अंदर रहता सी भी ईमानदारी थी, अगर इस बात के ऊपर अपनी कही हुई बात पर पूरी उतरती तो उनको उन्हें ये चाहिए था कि उन किसानों को जंतर मंतर पे आने दिया जाता, और वो नहीं आने दिया सरकार ने। ये सरकार, मैं फिर से ये कहूं, सरकार मकार है, सरकार झूठी है, सरकार धोखेबाज है। इस बात का पूरे देश को इस बात का सूचना मिलनी चाहिए थी, ये मैं बताना चाह रहा था। धन्यवाद भाई। सारे भाइयों नाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल। आज जैसे संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने कॉल दे रखी थी कि 6 तारीख से पंजाब और हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों के किसान अपने बसों के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से और पैदल के माध्यम से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसी तर्ज पे आज उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और अन्य प्रदेशों से किसान है वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़े। लेकिन जो सरकार का जो असली चेहरा है, आज वो उसका पूरे तरीके से पर्दाफाश हो गया है। सरकार बार बार ये कह रही थी पहले कि भाई हमें किसानों से कोई दिक्कत नहीं है, हमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों से समस्या है, दिल्ली का यातायात प्रभावित हो जाएगा। तो हमने आज ये कॉल दी थी कि भाई दूसरे राज्यों में किसान है हरियाणा पंजाब के अलावा, वो ट्रैक्टर ट्रॉली के अलावा अन्य चीजों के माध्यम से आए। लेकिन वो अन्य चीजों के माध्यम से ही आ रहे थे, उनको भी जगह जगह रोक दिया गया। चौधरी हरपाल सिंह बिलारी जी उत्तर प्रदेश से अपने हजारों किसानों के जत्थे के साथ जब आगे बढ़े तो बुलंदशहर नोएडा रोड पे उनको रोक दिया गया। अनिल तालान जी जब वो सुबह निकल रहे थे अपने घरों से तो उनके तमाम पदाधिकारियों को अलग अलग थानों में गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार से हमारे संगठन के साथी पैदल चले हुए हैं, राजस्थान के किसान भाइयों ने भी पूरी तैयारी कर दी है। और आज कर्नाटका और तमिलनाडु में मैसूर के अंदर और तंजावुर के अंदर बड़ी मीटिंग हुई है, वहां पे रेल रोको प्रोग्राम की भी रणनीति बनाई गई है और दिल्ली जिस तरीके से आना है उसकी भी रणनीति उन्होंने बनाई है। हम ये स्पष्ट करें कि आज से हमारे जत्थे चलने शुरू हुए हैं
ये 7 को भी चलेंगे, 8 को भी चलेंगे, कुछ साथी 9 को चलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों, पूरे देश को समझना चाहिए कि 11 तारीख को, 11 फरवरी को जो कर्नाटका के मैसूर से 200 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए चला था, 12 तारीख की रात को उनको मध्य प्रदेश के भोपाल स्टेशन पे उतारा गया, उनके साथ मारपीट करी गई, महिलाओं के सर भी फोड़े गए। तो सरकार का जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ चुका है। अभी हम यहाँ पे खनौरी बॉर्डर पे हैं, हमारे बलदेव सिरसा जी हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, भाई अंग्रेज सिंह जी हैं, तमाम हरियाणा पंजाब के संगठनों के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे हैं। 8 तारीख को शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पे महिला दिवस के दिन महिलाओं की बड़ी बड़ी पंचायतें होंगी, और उसके बाद 10 तारीख को पूरे भारत में रेल रोको का कार्यक्रम है। तो आंदोलन पूरे तरीके से मजबूत चल रहा है और किसानों के हौसले पूरे तरीके से बुलंद है, और निश्चित तौर पे इस आंदोलन में किसानों की जीत होगी और एमएसपी पे गारंटी कानून निश्चित तौर पे बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।